डीएसएल एल्गोरिदम, फिर हमने जीपीजी किया था। चलिए आज कुछ हम लोग सिमेट्रिक एल्गोरिथम पे जाएंगे, ठीक है। सिमेट्रिक एल्गोरिथम पे काम करेंगे जिसमें हम लोग एईएस एल्गोरिथम को देखेंगे, ब्लोफिस एल्गोरिथम क्या होता है उसको देखेंगे, और डीएस3 एल्गोरिथम क्या होता है, कैसे फाइल को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करते हैं वो भी देखेंगे। ओके रिकॉर्डिंग ऑन है? हाँ चलिए ठीक है, लॉगिन हो जाते हैं। पहले रेड हैट कर लिया, स्क्रीन को क्लियर कर लिया। उससे पहले हम लोग एक और सिक्योरिटी पढ़ लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डेस्कटॉप सिक्योरिटी, ठीक है। डेस्कटॉप सिक्योरिटी। हाँ डेस्कटॉप सिक्योरिटी बोलो, या आप उसको टर्मिनल सिक्योरिटी भी बोल सकते हो। डेस्कटॉप सिक्योरिटी मतलब अगर कोई भी यूजर, जैसे आप सपोज करो 2 मिनट के लिए बाथरूम जा रहे हो, ठीक है, तो हो सकता है ना कि आपके बाजू वाले बेंच पर जो बंदा बैठा हो 2 मिनट में कुछ ऐसा कर दे आपके सिस्टम में। हाँ जी हाँ तो आप ऐसे सिस्टम टर्मिनल खुला छोड़ के तो नहीं जा सकते ना, हाँ या डेस्कटॉप खुला छोड़ के नहीं जा सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको लॉक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लॉक करना पड़ेगा। उसको लॉक करना पड़ेगा। अब हमारा सपोज करो ये सिस्टम है 192.168.29.178, ये जो सिस्टम है इसको आप लॉक करना चाहते हो, तो इस पर एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा पहले, ठीक है। हाँ जी उस पैकेज का नाम है यम इंस्टॉल वी लॉक। क्या नाम है? यम इंस्टॉल वी वी लॉक। लॉक। ओके सो जस्ट इंस्टॉल दिस पैकेज यम इंस्टॉल वी लॉक। पैकेज इंस्टॉल हो गया। अब इस डेस्कटॉप को लॉक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, वी लॉक, अगर करंट टर्मिनल को लॉक करना है, जैसे जिस टर्मिनल पे मैं काम कर रहा हूँ इसको लॉक करना है, जैसे आप बाथरूम जा रहे हो इसको इस टर्मिनल को लॉक करना है, तो वी लॉक हाइफन सी कर दो, ठीक है। ओके तो ये क्या हो गया, अब लॉक हो गया, हाँ मतलब इस टर्मिनल पे कोई काम कुछ भी नहीं कर नहीं हो सकता, सकता। ठीक है। अगर इस टर्मिनल पे कुछ काम करना होगा तो पहले क्या डालना पड़ेगा, रूट का पासवर्ड डालना पासवर्ड, पड़ेगा। यानी जिसको रूट का पासवर्ड पता है वो डालेगा तभी जाएगा आपका। जैसे मैं जानता हूँ तो मैं रेड हैट डालूंगा तो क्या होगा, लॉगिन करेगा, ठीक है। ओके ध्यान से देखो, वी लॉक हाइफन सी किया। अब वी लॉक हाइफन सी किया तो इस टर्मिनल, ये टर्मिनल तो लॉक है, लेकिन मैं अल्ट कंट्रोल F2 से दूसरे टर्मिनल पर जाकर लॉगिन कर सकता हूँ, ठीक ओके है। यानी सिर्फ यही टर्मिनल लॉक हुआ है, बाकी टर्मिनल लॉक नहीं हुए। नहीं हुए। तो सी स्टैंड फॉर यहाँ करेंट, करेंट टर्मिनल, ठीक है, हाँ ठीक है, करंट टर्मिनल। लेकिन अगर हमें सारे को लॉक करना है, A to Z लॉक करना है, तो वी लॉक हाइफन क्या कर देंगे, ए, क्या कर देंगे, वी लॉक हाइफन ए ए, ए स्टैंड फॉर ऑल। अब ये सारे टर्मिनल, जैसे अल्ट कंट्रोल F2 पे जाता हूँ तो ये भी लॉक, F3 F4 F5 F6 F7 सब सब लॉक, किसी ओके टर्मिनल पर कोई नहीं जा सकता, सारे के सारे क्या हो गए, लॉक हो गए। लॉक हो गए, ठीक है। अब किसी पर भी आपको जाना हो तो आपको पासवर्ड डालना जरूरी है, तो जी जी पासवर्ड डालोगे तब आप इस पर बस वापस आ पाओगे, ठीक है। ठीक है जी। तो इसको बोलते हैं वर्चुअल लॉक, वर्चुअल लॉक बोले तो उसको शॉर्ट में वी लॉक बोलते हैं, लेकिन इसका एक्चुअल नाम है वर्चुअल लॉक। तो आप एक वर्चुअली लॉक कर सकते हो अपने डेस्कटॉप को, अपने टर्मिनल्स को, ताकि आप थोड़ी देर के लिए कहीं जा रहे हो कुछ काम करने के लिए, आप चाहते हो सिस्टम नहीं बंद करना, ठीक है, और लॉगआउट भी नहीं करना चाहते हो, क्योंकि लॉगआउट कर जाओ तो हो सकता है वो सब प्रोसेस बंद हो जाए, ठीक है। हाँ तो बैक एंड में सपोज करो कोई डाउनलोडिंग या कोई प्रोसेस चला तो प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। जैसे कैसे टाइम टाइम आउट के बाद कुछ से आपका डेस्कटॉप स्क्रीन लॉक हो जाता है, हाँ वो इसी तरह ये भी है स्क्रीन सेवर टाइप। आपको आप कमांड लाइन से क्या कर सकते हो, उसको मैनुअली लॉक कर सकते हो कि भाई आप थोड़ा देर के लिए बाहर जा रहे हो, सिगरेट पीने जा रहे हो, तब तक मेरा डेस्कटॉप लॉक रहो, अंदर में काम जो चलता है वो चलता रहे, ठीक है। सिस्टम शटडाउन ना हो, सर्विस शटडाउन ना हो, सर्विस जो चल रहा है वो चलता रहे, बस वो दिखे नहीं किसी को, ठीक है जी। इसके लिए हम लोग इसे करते हैं। अगर इसके बारे में आपको और डिटेल पढ़ना हो, इसके बारे में कमांड पढ़ना हो, मैनुअल पढ़ना हो, तो आप मैन वी लॉक कर सकते हो, मैन ब्लॉक वी लॉक, तो आपको मिल जाएगा ये, ठीक है। तो इस पर लिखा था वी लॉक वर्चुअल कंसोल लॉक प्रोग्राम, प्रोग्राम ठीक है। तो आप देख सकते हो वी लॉक हाइफन ए करो फॉर इसके, ए फॉर ऑल के लिए, हाइफन सी फॉर करेंट के लिए, हाइफन एच फॉर हेल्प के लिए, दिया हुआ है ना सब। हाँ जी तो आप वी लॉक क्या है, कैसे यूज कर सकते हो, आपको ये पूरा दिया हुआ है, इसके बारे में पूरा आपको डिस्क्रिप्शन यहाँ पर मिल मिल जाएगा, जाएगा। ठीक है। मैंने मैक्सिमम आपको बता दिया, आपको हेल्प और वर्जन का जरूरत नहीं है। हेल्प और वर्जन किस लिए है, जैसे वी लॉक हाइफन सी चलाया था ना हमने, अब यहाँ पे क्या चला सकते हैं, हाइफन एच भी चला सकते हैं, तो ये हेल्प दे देगा, मतलब कौन कौन से कमांड आप यूज कर सकते हो आपको नहीं पता है तो, ठीक है। ओके
हाइफन वी करोगे तो क्या दिखा देगा, वर्जन दिखा देगा कि वी लॉक का कौन सा वर्जन यूज कर हम लोग, 1.3। तो ये तो कहने की बात हो गई, बट हमारा काम का चीज तो ये नहीं, हम वर्जन चेक करके क्या करेंगे, है कि नहीं। हमारा जो मेनली पर्पस था वो करंट टर्मिनल को या सारे टर्मिनल को लॉक करना, सारे सेशन को, सारे कंसोल को लॉक करना, वो तो हमने कर लिया। अब अपार्ट फ्रॉम दिस, अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा या नेक्स्ट काम क्या होगा हमारा, कि अब हम एक फोल्डर बनाने जा रहे हैं और हम क्रिप्टोग्राफी करेंगे। सी डी डेमो से उस फोल्डर में चले गए, एलएस कर लिया, यहाँ पे कोई फाइल फोल्डर नहीं है, चलो यहाँ पे कुछ फाइल फोल्डर बनाते हैं और उसको इनक्रिप्ट करते हैं। तो बहुत ही सिंपल एक फाइल बना लेते हैं, जैसे कि हम लोग नॉर्मली बनाते हैं, विम ए डॉट टी एक्स टी, आई फॉर इंसर्ट, इंसर्ट करके कुछ भी लिख देते हैं इसमें, जिससे साइबर सिक्योरिटी लिख दिया हमने, हैकिंग भी कर देते हैं इसमें, नेटवर्क सिक्योरिटी भी कर देते हैं, सारी अलग अलग चीज़ें हैं। और हमने इसको सेव कर दिया, ठीक है। हम क्रॉस चेक करते हैं एक बार कि हमारी फाइल बनी हुई है ना, तो कैट एडो टेस्टी से हमने क्रॉस चेक कर लिया, फाइल बनी हुई है, बट सिंपल फाइल है, इनक्रिप्ट नहीं है, कोई पासवर्ड नहीं लगा हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इस पे लगाने जा रहे हैं एक सिक्योरिटी सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी के थ्रू। कौन सी सिक्योरिटी होगी, AES सिक्योरिटी, ठीक है, AES सिक्योरिटी, वो भी 256 बिट की। तो लगाते हैं ओपन SSL, ये कमांड तो हमेशा इस्तेमाल होगा, इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर, इसलिए INC करेंगे, और इनपुट किस फाइल को इंक्रिप्ट करना है, a.txt को। अच्छा, इसको इसका आउटपुट फाइल मतलब इंक्रिप्ट करने के बाद कौन सी फाइल बन जाए, सपोज करो बी डॉट कुछ भी, b.txt, ठीक है, ओके। तो a.txt का ही इंक्रिप्टेड वर्जन क्या हो गया, b.txt, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना, क्या इसको इनक्रिप्ट करना है, किस एल्गोरिथम से, AES-256, ठीक है। तो हमने एल्गोरिथम बता दिया, हाइफन के मतलब हम लोग के बाद क्या देंगे, की देंगे, क्या देंगे, के स्टैंड फॉर की। की क्या हो गया, कुछ भी दे दो की, जैसे मान लो रेड हैट दे दिया हमने, तो की क्या हो गया, रेड हैट हो गया, यानी इस फाइल पे a.txt इनक्रिप्ट होकर b.txt में हो गया, और उसका b.txt का पासवर्ड क्या हो गया, की क्या हो गया, रेड हैट। तो देखो, अब हम a.txt की जरूरत है नहीं, हम a.txt को डिलीट करते हैं। अब हमारे पास a.txt का ही इनक्रिप्टेड वर्जन सिर्फ बचा हुआ है, b.txt। तो अगर कोई b.txt को नॉर्मली खोलना चाहेगा तो नहीं खोल पाएगा, ठीक है। क्यों नहीं खोल पाएगा, क्योंकि ये फाइल क्या है, इनक्रिप्ट है। अगर इसको आप डिक्रिप्ट करना चाहते हो तो कैसे डिक्रिप्ट करोगे, तो चलो डिक्रिप्शन का मेथड पढ़ लेते हैं। ओपन SSL, इनक्रिप्शन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, आईफन इन, इनमें जिस फाइल को किसको डिक्रिप्ट करना है, b.txt को डिक्रिप्ट करना। अच्छा, आउटपुट फाइल क्या होगा इसका, हम बना दे रहे हैं मान लो 37.txt, ठीक है, यानी इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट होकर किस में बन जाए, 37.txt में कौन सारा आउटपुट आ जाए, ठीक है, जो आउटपुट फाइल बने 37.txt, आप a.txt भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम लोग इंक्रिप्ट करेंगे, डिक्रिप्ट कर रहे हैं, ऊपर में देखो हमने हाइफन ई किया था, नीचे में हाइफन डी करेंगे, क्योंकि ऊपर में इंक्रिप्ट किया था, नीचे में क्या करने जा रहे हैं, डिक्रिप्ट, तो इसलिए हाइफन डी कर दिया। किस एल्गोरिथम से डिक्रिप्ट करेंगे, जिस एल्गोरिथम से इंक्रिप्ट किया था उसी एल्गोरिथम से डिक्रिप्ट भी करेंगे, तो AES-256, क्योंकि ये सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी है, ठीक है। हाइफन के मतलब की क्या दिया था हमने ऊपर में, रेड हैट, तो यहाँ भी देंगे रेड हैट, ठीक है, और जैसे इंटर मारेंगे ये डिक्रिप्ट हो गया। अब सॉरी ls कमांड चलाओ और देखो डिक्रिप्ट हुआ, तो आप देख सकते हो कैट satish.txt फाइल आ गया यहाँ पे, और satish.txt का कंटेंट वही है ना जो हमने लिखा था, a.txt के अंदर। तो इस तरह से हमने फाइल को क्रिएट किया, फाइल को AES-256 एल्गोरिथम से इनक्रिप्ट किया और उसको डिक्रिप्ट भी किया, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। अब मैं क्लियर करता हूँ, हिस्ट्री कमांड चलाता हूँ और इसके बग के बारे में पढ़ते हैं। तो मैंने हिस्ट्री कमांड चला दिया, आपने कमांड तो देखा, कि आपको बग दिख रहा है कुछ, आपको कोई इस टेक्नोलॉजी में बग नजर आया। देखो, एज ए साइबर एक्सपर्ट जब आप काम कर रहे हो ना, तो आपका डिपार्टमेंट साइबर ऑडिट में जाएगा कि पेनिट्रेशन टेस्ट में जाएगा, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो एक बात तो तय है कि आपको बहुत ही शार्प रहना होगा, यानी अपना आँख खोल कर रखना पड़ेगा, आपको देख कर ही पता लगाना पड़ेगा कि कहाँ पे बग है।
तो बग फाइंडिंग एक तरह के आइज होती है, मतलब आइज मतलब वैसे इंसान जो हर चीज पे क्या करता है, डाउट की नजर से देखता है उसको सोचता है, देखकर आउटपुट तुरंत एनालाइज करता है, ठीक है, हाँ इंस्टेंट आपको दिखना चाहिए। कैसे दिख रहा है आपको, आपको दिखा नहीं कुछ बैक लुक बैक? देखो हिस्ट्री कमांड हमने चलाया तो पासवर्ड तो दिख गया ना हमने, रेडेट है, हाँ लाइन नंबर 45 देखो जो इनक्रिप्ट करने के लिए हमने कमांड चलाया था, हाँ रेड हेड, हाँ पासवर्ड है इसमें तो की पासवर्ड इसमें। विजिबल है, हाँ तो जिस किसी में भी पासवर्ड विजिबल हो वो तो सेफ मेथड नहीं है ना, हाँ ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, ये तो क्रिप्टोग्राफी काम तो करता है बट ये उतना सेफ नहीं है, नहीं। तो अब मैं आरएम से इनक्रिप्टेड फाइल को डिलीट कर देता हूँ और दूसरे एल्गोरिथम, इसी एल्गोरिथम को यूज करके दूसरे मेथड से क्या करूँगा, सेफ मेथड से क्या करूँगा, इसको दोबारा इनक्रिप्ट इनक्रिप्ट करूंगा। इनक्रिप्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये देखो इनक्रिप्ट करने वाला हूँ किस फाइल को, ए डॉट टी एक्स सतीश टी सतीश डॉट टीएक्सटी को, ए डॉट सतीश पॉइंट सतीश डॉट टीएक्सटी को, ठीक है, सतीश डॉट टीएक्सटी को मैं इनक्रिप्ट करने वाला हूँ, ठीक है। आउटपुट में बी डॉट टीएक्सटी बनाएंगे और ये जो हाइफन के है ना, इसके बाद पासवर्ड रेडेट है ना, ये पासवर्ड नहीं डालेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्या ओके डालेंगे, सिर्फ हाइफन के। के। तो क्या बता रहा है यहाँ पे, कुछ और आ गया यहाँ पे आउटपुट की, ये फलना टेकन आपको बहुत सारी चीज़ दिखा दिया कि आपको कुछ कमांड में मिस्टेक दिखा रहा है, जो भी है। तो भाई हम कह देते हैं कि भाई चलो ठीक है, कमांड मिस्टेक है तो हम हाइफन वो भी हटा दिए, क्या करते हैं हम हाइफन के भी हटा दिए, ठीक, यहाँ तक ही पासवर्ड टाइप किए। तो अब देखो क्या मांग रहा है, पासवर्ड मांग रहा है, अब यहाँ पर पासवर्ड देते हैं रेड हैट, रेड हेड ठीक है, वापस रेड हैट, ठीक है। तो अब एक फाइल बन गया, कौन सा, बी डॉट टी एस टी, आर एम हाइफन आर एफ से क्या करेंगे हम, सतीश डॉट टी एस टी को क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे। अब हमारे पास एक इंक्रिप्टेड फाइल बचा है, कौन सा फाइल, बी डॉट पीएचडी टी एक्स टी। अब इस बी डॉट टी एस टी को हम क्या करेंगे, डिक्रिप्ट करेंगे, क्या करेंगे, डिक्रिप्ट करेंगे। डिक्रिप्ट करेंगे। तो चलो डिक्रिप्ट करते हैं, डिक्रिप्ट करने के लिए कमांड ये है, तो डिक्रिप्ट किसे करेंगे, बी डॉट टी एस टी को किस में डिक्रिप्ट करेंगे, वापस सतीश डॉट टी एक्स टी में, और यहाँ पे पासवर्ड वैसे कुछ नहीं रहेगा, यहाँ से इंटर मार देंगे। पासवर्ड मांग रहा है डिक्रिप्शन के लिए, तो पासवर्ड क्या जाते हैं, रेड हैट, और एलएस करेंगे तो वापस आ गया, देखो सतीश डॉट टी एस टी फाइल, ऊपर डिलीट किया था ना हमने आर एम आर एफ सतीश डॉट टी एस टी, नीचे वापस आ गया, देखते हैं कॉन्टेंट वही है क्या, तो आप देख सकते हो कॉन्टेंट वही है बिल्कुल, ठीक है। तो ये भी एल्गोरिथम दोनों में सेम यूज़ हुआ, बस मेथड का अंतर हो गया, ठीक है। इसमें हमने इंक्रिप्ट करने के लिए किस लाइन का इस्तेमाल किया, लाइन नंबर 61 यूज फॉर इंक्रिप्शन, लाइन नंबर 65 यूज फॉर डिक्रिप्शन, और आप देख पा रहे हो, आप इस चीज को एनालाइज कर पा रहे हो कि हम कितने इजीली इस फाइल को इंक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर पा रहे हैं, इसमें कोई किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है, और इसमें हमारा पासवर्ड भी नहीं दिख रहा हिस्ट्री कमांड चलाने पर, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग एक बेस्ट ऑप्शन के तौर पर देखते हैं, इन कंपेरिजन टू प्रीवियस एल्गोरिथम, जो प्रीवियस हमने यूज किया था मेथड, एल्गोरिथम दोनों में सेम था बट मेथोडोलॉजी अलग हो गया, ठीक है। चलिए अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा हम लोग क्या करने वाले हैं आज, ब्लोफिश एल्गोरिथम, कौन सा एल्गोरिथम, ब्लोफिश एल्गोरिथम। अब हम बी डॉट टी एस टी को उड़ा देते हैं और हम एक नए एल्गोरिथम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ब्लोफिश एल्गोरिथम। ब्लोफिश एल्गोरिथम क्या करता है, ये भी वही काम करता है इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, बट इसका क्या होता है, बस इंक्रिप्ट डिक्रिप्ट करने का तरीका अलग होता है। तो चलो हम इस फाइल को क्या करते हैं, इनक्रिप्ट करते हैं, किस फाइल को, सतीश डॉट टी एस टी को, लेकिन किस एल्गोरिथम से, ब्लोफिश, ब्लोफिश को शॉर्ट में बीएफ लिखते हैं, ठीक है। और जिस फाइल को इनक्रिप्ट करना है उस फाइल का नाम यहाँ पर दे देंगे। अच्छा, इनक्रिप्ट करने के बाद जो नई फाइल बनेगी उसको यहाँ पर नाम दे देगा, सपोज को नई फाइल जो बनेगी उसको हमने नाम दे दिया एक्स वाई जेड डॉट बी एफ, ठीक है। इसको डिफरेंट ब्रैकेट में क्यों डाला है हमने, सतीश डॉट टी एस ये टी को? इसका मेथड है, ओके मतलब जिस फाइल को इनक्रिप्ट करना हो वो ब्रैकेट बीच में रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ओके पासवर्ड पूछा, पासवर्ड डाल दो, 1 2 3 4 5 डाल दिया हमने, 1 2 3 4 5 डाल दिया। अब एलएस करेंगे तो हमारे पास एक फाइल बन गया एक्स वाई जेड डॉट बी एफ, अब जो नॉर्मल फाइल उसको डिलीट कर दे रहा है, जो नॉर्मल टेक्स्ट फाइल उसको डिलीट कर दिया। अब हमारे पास सिर्फ एक ही फाइल बचा एक्स वाई जेड डॉट बी एफ, और ये कैसा फाइल है, इनक्रिप्टेड फाइल है, कैसा फाइल है, इंक्रिप्टेड फाइल है। इनक्रिप्टेड है, लेकिन किस एल्गोरिथम से इनक्रिप्टेड है, ब्लोफिश, किससे इनक्रिप्टेड है, ब्लोफिश ब्लोफिश, याद रहे जो ब्लोफिश से इंक्रिप्ट हुआ है वो ब्लोफिश एल्गोरिथम से ही डिक्रिप्ट होगा, और किसी एल्गोरिथम से डिक्रिप्ट नहीं होगा। नहीं होगा, यानी प्रीवियस वाला एल्गोरिथम से आप ट्राई करोगे तो उससे काम नहीं करेगा ये, ठीक है। इसको कैसे डिक्रिप्ट करेंगे,
जो डिक्रिप्ट करने के लिए जिस कमांड का इस्तेमाल करेंगे वो कमांड है ओपन एस एस एल ऑफिस हाइफन डी, और किस फाइल को डिक्रिप्ट करना है उस फाइल को ब्रैकेट में दे देंगे एक्स वाई जेड डॉट बी एफ को। अच्छा डिक्रिप्ट करके किस में कन्वर्ट करना है, सपोज करो ए डॉट टी एक्स टी में, पासवर्ड 1 2 3 4 5 डाला था तो हमने डाल दिया, एलएस करते हैं तो देखो फाइल आ गया ए डॉट टी एक्स टी, कैट ए डॉट टी एक्स टी करोगे तो आपका वापस नॉर्मल कंटेंट आ गया ना। तो इस तरह से हम लोग ब्लोफिस एल्गोरिथम को यूज करके फाइल को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर सकते हैं। अब हम एक्स वाई जेड डॉट बी एफ ब्लोफिस फाइल्स को यानी इनक्रिप्टेड फाइल को डिलीट कर दिया। अब मैं हिस्ट्री कमांड चला के आपको शो कराता हूँ, लाइन नंबर 74 फॉर इनक्रिप्शन, लाइन नंबर 79 फॉर डिक्रिप्शन, ठीक है। तो लाइन नंबर 74 से हमने क्या किया, इनक्रिप्ट किया यूजिंग ब्लोफिस एल्गोरिथम, लाइन नंबर 79 से हमने क्या किया, डिक्रिप्ट किया यूजिंग ब्लोफिस एल्गोरिथम। क्या अब और भी हमारे पास मेथड है? हाँ, अभी हम एक और डिफरेंट मेथड पढ़ेंगे, एक डिफरेंट एल्गोरिथम पढ़ेंगे हम लोग इनक्रिप्ट करने का डिक्रिप्ट करने का, ठीक है, जिसको बोलते हैं DS3 एल्गोरिथम, ठीक है। ओपन SSL, ओपन SSL यूज करेंगे, DS3 इनपुट में क्या रखेंगे हम लोग, जिस फाइल को इनक्रिप्ट करना है यानी a.txt को इनक्रिप्ट करना है तो a.txt को इनपुट में डाल देते हैं, सिंपल है। आउटपुट में क्या रखेंगे, मान लो आउटपुट पर इसका इनक्रिप्टेड फाइल हम बनाना चाहते हैं xyz.txt, ठीक है, सिंपल रखना। अभी पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड डाल दो जो भी डालना चाहते हो, रेडर डाल दिया मैंने, रेडर डाल दिया। अभी देखो एल्गोरिथम अलग यूज हुआ है, ये DS एल्गोरिथम यूज हो रहा है, ठीक है, ये DS एल्गोरिथम यूज हो रहा है। अब इस एल्गोरिथम को यूज करके हमने क्या किया, फाइल को इनक्रिप्ट कर दिया, फाइल को इनक्रिप्ट कर दिया तो क्या बन गया हमारे पास, कैट xyz.txt फाइल बन गया जो कि इनक्रिप्टेड है, क्लियर। अब हम सिंपल जो फाइल है a.txt इसको क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, सिंपल फाइल को डिलीट कर दिया, ls कमांड चलाया, हमारे पास xyz.txt फाइल है, xyz.txt फाइल क्या है, इनक्रिप्टेड फाइल है। इसको डिक्रिप्ट कैसे करेंगे, उसी एल्गोरिथम से करेंगे, तो सिंपल सा है, ओपन SSL जो सेम कमांड ऊपर चलाया था वही कमांड चलाना है, बस थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। क्या अंतर हो जाएगा, DS3 के जस्ट बाद हाइफन डी लगा देंगे। क्यों डी लगा देंगे, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं इस बार, डिक्रिप्ट कर रहे हैं, डिक्रिप्ट कर रहे हैं, और किसको डिक्रिप्ट करना है, इनपुट में उसको ले लेंगे, तो xyz.txt को डिक्रिप्ट करना है तो इसको ले लेंगे। अच्छा, इसको डिक्रिप्ट करने के बाद किस फाइल में कन्वर्ट करना है, सपोज करो c.txt में, तो c.txt फाइल बन गया हमारा, पासवर्ड डालेंगे जिस पासवर्ड से इनक्रिप्ट किया था, रेड हैट तो रेड हैट, ls करेंगे तो हमारा फाइल बन गया, कौन सा फाइल बन गया, ओरिजिनल फाइल c.txt आ गया, देखो आपका कंटेंट आ गया जो कहते हो। अब रन कराएंगे हिस्ट्री कमांड, हिस्ट्री कमांड को रन कराते हैं, लाइन नंबर 87 आपको दिख रहा है इंक्रिप्शन के लिए यूजिंग DS3 एल्गोरिथम, और लाइन नंबर 92 आपको दिख रहा है डिक्रिप्शन के लिए यूजिंग द सेम DS3 एल्गोरिथम। तो ये हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम देखा, हमने ब्लोफिस एल्गोरिथम देखा हमने, ठीक है, DST एल्गोरिथम देखा हमने, AES एल्गोरिथम देखा हमने, उन सब में, और AES एल्गोरिथम को दो मेथड देखे, एक तो देखा बग वाला जिस एल्गोरिथम में बग था, ठीक है, फिर हमने उसको दूसरे मेथड से कैसे बग को फिक्स किया, और ये सब हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये किसका पार्ट है, सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में आता है, ठीक है, यानी सेम एल्गोरिथम एंड सेम पासवर्ड फॉर इनक्रिप्शन, सेम एल्गोरिथम एंड सेम पासवर्ड फॉर डिक्रिप्शन, यानी जिस पासवर्ड और जिस एल्गोरिथम से फाइल को इनक्रिप्ट करेंगे उसी एल्गोरिथम और उसी पासवर्ड से हम लोग फाइल को डिक्रिप्ट भी कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ और इस्तेमाल करेंगे तो काम नहीं करेगा। एल्गोरिथम चेंज हो जाए या पासवर्ड चेंज हो जाए, कोई भी चेंज हो जाएगा, कोई भी मैच नहीं किया तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है, ठीक है, वो काम नहीं करेगा। तो क्या करेंगे इस केस में, इस केस में हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि हम लोग सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में जिस एल्गोरिथम से फाइल इनक्रिप्ट हुआ उसी एल्गोरिथम से फाइल डिक्रिप्ट भी हो, ये सुनिश्चित करना पड़ेगा। इससे जो पहले हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा हमने, कैसे डेस्कटॉप को लॉक करते हैं, ठीक है, कंसोल लॉकिंग हमने पढ़ा, उसके लिए करंट टर्मिनल को कैसे लॉक करते हैं, और सारे टर्मिनल को, सारे कंसोल को लॉक करना हो, चाहे डेस्कटॉप हो, सब टर्मिनल्स हो, सबको लॉक करना हो तो कैसे लॉक करते हैं, ये हमने पढ़ा। और आपको क्या करना है, इसको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करने के बाद थोड़ा सा इसको ब्रेशअप करोगे, फिर आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे पूछ सकते हो।